नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हमारा बिहार। बहुत ही बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हां, देर रात बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए थे भूकंप के झटके, और भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल को बताया जा रहा था। आपको बता दें, इस कोरोना संकट के बीच ही मंगलवार की रात 11:38 पर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी और समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल के सुंदरवटी से 2 किलोमीटर दूर, भूतल से 10 किलोमीटर नीचे। भारत व नेपाल के साथ ही चीन में भी भूकंप आने की बात कही जा रही है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। इस दौरान लोगों का कहना था कि जब वो टीवी देख रहे थे तो अचानक से टीवी हिलने लगा तथा अचानक से कंपन महसूस होने लगा, लेकिन जब तक समझ में आया तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। कई लोग घर की छतों पर भी निकलकर एक दूसरे से पूछने लगे थे कि भूकंप महसूस हुआ है या नहीं। वहीं आपको बताते चलें कि एक महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार चौथी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोग अवश्य दहशत में आ चुके हैं।